मोहतरम जनाब सिदा हुसैन डेरो साहब, मोहतरम जनाब लाला मोहम्मद अली साहब, मोहतरम जनाब यूसुफ शाह साहब और दीगर इंदौर में बैठे हुए हाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि ये प्रोग्राम इस मकसद के लिए रखा गया है, लेबर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत फलाही काम है और जिस जज्बे और लगन के साथ में, जिस मेहनत के साथ में इन्होंने इस काम को शुरू किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत पैदा करेगा और उसमें इनको कामयाबी नसीब अता करेगा। और खुलूस दिल जमई के साथ में ये इस काम को करें, हमसे जितना भी हो सकेगा, जैसा भी हो सकेगा, इंशाअल्लाह ताला मेरा खास तौर पर ताउन लेबर वेलफेयर एसोसिएशन वालों को ताउन जारी रहेगा। और जिस वक्त भी मुझे ये कॉल करेंगे, मैं इनके पास हाजिर हो जाऊंगा और जो मेरी हैसियत है इंशाअल्लाह ताला उससे बढ़ करके इसमें कार्य खैर में हिस्सा लूंगा। अस्सलामु अलैकुम। आपका नायब नाज़िम टंडो आज़म इस पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। मैं जनाब लियाकत अली कुरैशी साहब से इल्तिमास करता हूं कि वो आए और शाह साहब को अजरक का तोहफा पेश करें। मैं मोहतरम जनाब गुलाम गोस दोगर साहब से इल्तिमास करता हूं कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब सिदा हुसैन डेरो साहब, लाला मोहम्मद अयूब साहब, अकबर कुरैशी साहब, लियाकत कुरैशी साहब, अब्दुल रशीद आरई साहब, सबको खुश आमदेद कहते हैं। यहाँ लोग और यहाँ बैठे हुए सारे मेहमान सबको सलाम। मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज हमारे टंडो आदम में लेबर वेलफेयर एसोसिएशन का ऑफिस का भी इफ्तिताह हुआ, क्योंकि आज से पहले हमारे टंडो आदम में लेबर के, मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसी एसोसिएशन कुछ ना था। तो अकबर कुरैशी साहब ने और अब्दुल रशीद आरई साहब ने शुरुआत की, मीटिंगें की, उसका बहुत अच्छा नतीजा निकला। हमारे एमपीए फिदा हुसैन डेरो साहब ने, लाला मोहम्मद अयूब साहब ने इनकी सरपरस्ती की, जिसके नतीजे में आज हम इस ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज से पहले हमारी कॉटन फैक्ट्रियों में मजदूरों के साथ, दूसरी फैक्ट्रियों में मजदूरों के साथ, मिस्त्रियों के साथ बड़ी बड़ी नाइंसाफियां हो जाती थी, हादसे हो जाते थे। उसमें कोई फैक्ट्री मालकान या कोई बंदा उन गरीब मजदूरों के साथ कोई ताबुन नहीं करता था। यहां तक कि किसी का बाजू कट गया तो उसकी इलाज के लिए भी वो सर नहीं उठाते थे। मजदूर बेचारे खुद अपनी मदद आप जो करना होता था करते थे, कुछ बच जाते थे, कईयों के साथ माजूरी हो जाती थी। तो आज जो ये इकदाम उठाया गया उसे इंशाल्लाह ताला हमारे मजदूरों को, गरीबों को, खास तौर पे हमारी दोनों यूनियन काउंसिलें जिनमें मजदूर तबका ज्यादा है, कच्ची आबादियां ज्यादा हैं, यूसी 4 है, यूसी 5 है,
उनको फायदा होगा। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं दावत खिताब देता हूं इस तंजीम लेबर वेलफेयर एसोसिएशन तालुका टंडो आजम रजिस्टर्ड के सरपरस्त आला जनाब लाला मोहम्मद अय्यूब खान साहब को, वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। नुसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब वेलफेयर मजदूर वेलफेयर के सदर साहब अकबर कुरैशी साहब, रशीद आरानी साहब, लियाकत कुरैशी साहब, मंजूर यूसुफजई साहब, गुलाम गौस साहब, फारूक गौरी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टंडो आजम सिटी के जनरल सेक्रेटरी और इलाके के मौजूदीन शहरी दोस्त भाई जो भी यहाँ मौजूद हैं सबको मेरा सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो काम आपने अपने सर उठाया है और किया है, इसकी इस शहर में इस मजदूरों को जो ये गरीब लोग हैं और मिस्त्रियों को ठेकेदारों को सबको इसकी जरूरत थी। एक वक्त था जब हम स्कूल पढ़ते थे तो यहां पर एक शख्सियत थी अब्दुल रजाक सुमरो की। अब्दुल रजाक सुमरो साहब बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और उन्होंने मजदूर वेलफेयर उसमें एक अच्छी खिदमत उन्होंने अपने टाइम में की। मैं उनका नाम इसलिए यहां पर खास तौर पे आपको इसमें ले रहा हूं कि उन्होंने जब तक मजदूर यूनियन में थे तो मैं छोटा सा था लेकिन मैंने ये बात सुनी है वालिद अपने वालिद से भी और दूसरे लोगों से भी कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं अपनाई, ब्लैकमेल करके किसी कारखानेदार को उससे पैसे नहीं लिए। उसके 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 बाद और आज तक जब आज आपकी वेलफेयर ये बनी है, इस दरमियान में बहुत सारे बरसाती मेंढक आते गए हैं और अपना उल्लू सीधा करके चल जाते रहे हैं और अभी भी मौजूद हैं। काली भेड़े आज भी हैं, उनसे होशियार रहे। वो लेबर यूनियन के नाम पर आपको हमेशा ब्लैकमेल करते हुए फाइल गले में दबा बगल में दबाते हुए एक हाथ में बस्ता लिए हुए शहर में फिरते हुए नजर आ जाएंगे। उनका काम सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी कारखानेदार को या किसी ना किसी सिलसिले में किसी को ब्लैकमेल करना होता है किसी मजदूर को। मेरा ये चैलेंज है कि जितने भी ये लोग बीच में आए इस 30 साल के अरसे में मुझे एक आदमी बता दे कि उसने किसी मजदूर को कोई वेलफेयर पहुंचाई हो या उसकी कोई मदद की हो। सिर्फ और सिर्फ मजदूर के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो हमारे दोस्तों ने मुझसे ये मशवरा किया, मैंने सबसे पहले ये दोनों हजरात यहाँ मौजूद हैं इनसे एक ही बात कही थी कि हमने अगर सच्चे दिल ईमानदारी और लगन के साथ अगर अपने इस काम में हिस्सा लेते हैं और पहली जो इसकी शर्त है वो शर्त है ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी के साथ किसी भी काम में बिस्मिल्लाह करके शुरू होंगे तो वो आखिर तक पहुंचेगा भी और अल्लाह भी उसका आपको अजर देगा। और अगर आपने जैसे मुफ्ती साहब, मैं तो इतना कोई आलिम वालिम नहीं हूं लेकिन हमारे जामा मस्जिद के खतीब उन्होंने भी अब बड़े वाजे तरीके से आपको इस बात के ऊपर बताया है कि लेबर मजदूर के हुकूक क्या है और उसको किस तरह पूरा किया जाना चाहिए। ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। और मैं समझता हूं कि ये वेलफेयर के साथ ही सच्चे दिल के साथ और ईमानदारी से उठे हैं और अल्लाह करेगा कि इनके इनके इस काम में बरकत होगी। हम सारे दोस्त बशमूल मैं फिदाउस डेरू साहब जो यहाँ मौजूद हैं, मैं वो हमेशा वैसे भी गरीबों के साथी हैं, हर आदमी उनको उस हवाले से पहचानता है उनको।
और किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मैं तो शायद कभी नहीं भी अवेलेबल हूँ और कहीं नहीं भी होता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये कुव्वत अता फरमाई है कि वो बैठे हैं और मुस्तकिल बैठे हैं और मुस्तकिल सुबह से रात तक इसी गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी और सेहत अता फरमाए और साथ साथ उनका और जोश और वलवला जो है वो ज्यादा बढ़ाए। मैं सिर्फ दो चार बातें आपसे इस सिलसिले में ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं आज आप ही के स्टेज से फिरोज हुसैन साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने एक काम शुरू करना चाहा लेकिन बीच में ये डिजास्टर का पीरियड आ गया है और काफी हद तक फिरोज हुसैन साहब ने जिस तरह इस शहर को बचाने में, इस शहर को बंद देने में, किसी को एहसास नहीं होता इस बात का। आप यहाँ बैठे हुए हैं, 200-250 आदमी ये बैठा हुआ और बराबर खड़ा हुआ सुन रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस शख्स ने जिस तरह से रात और दिन लगकर इस शहर को बचाने में वो किरदार अदा किया, वो मेरे कुछ दोस्त लाहौर से आए थे और उन्होंने जब ये पानी देखा और इस शहर की नीचाई देखी तो बोला ये अल्लाह ताला ने इनसे ये काम ले लिया। मैं समझता हूं कि यही काम इनको आगे के लिए और इस दुनिया से के बाद भी इसका ये काम आएगा। ये सिला दे ना दे, अल्लाह जरूर इसका सिला जरूर देगा। मेरा मैं बात कहीं और निकल गई, मैं इसे भी याद दिलाना चाहता हूं। आपने रिक्वेस्ट की है अपने सपाशनामे में म्यूनिसिपल डिस्पेंसरी की, तो म्यूनिसिपल डिस्पेंसरी ऑलरेडी मौजूद है और वो शहर के वस्त में है। ये इससे पहले फिरोज़ नेहरू साहब का प्रोग्राम था और खुद उन्होंने अपने पैसे उस पर मुख्तसर भी किए थे, लेकिन ये डिजास्टर की वजह से वो काम रुक गया है। आज मैं दोबारा आपकी जानिब से और अपनी जानिब से इल्तिजा करता हूँ कि इस काम को, क्योंकि ये करोड़ों रुपए की हमारी प्रॉपर्टी, बल्कि अब तो उसको उसकी कीमत का अगर अंदाजा लगाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा है, ऐसी दोबारा बनाने के लिए हमें प्लाट भी अवेलेबल नहीं है। आज वो बनी बनाई चीजें सिर्फ रेनोवेशन के लिए, फिरोज हुसैन साहब ने अपने तरफ से उसमें शायद 50 लाख रुपए दिए थे, तो अगर उसी उन्हीं पैसों को लगाकर ये म्यूनिसिपल डिस्पेंसरी अगर दोबारा आबाद हो जाए, यहाँ बाकायदा डॉक्टर्स बैठे, यहाँ लेडी डॉक्टर्स बैठे, यहाँ पर बाकायदा ऑपरेशन थिएटर्स मौजूद है, तो ये गरीब लोग जो आज मारे जा रहे हैं, आज जो जिस तरह से इनका इस्तेमाल हो रहा है, एक गरीब आदमी, एक हारी, एक मजदूर जिस वक्त अस्पताल में अपनी बीवी को लेकर पहुंचता है डिलीवरी के लिए और 15,000 रुपए की जिस वक्त उससे डिमांड होती है, तो आप पूछे तो सही कि वो सालों मकरूज हो जाता है, वो सालों वो कर्ज अदा कर नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा खैर का काम है कि मैं समझता हूं कि अगर आपने ये काम कर दिया, इस तरह से आपने और भी काम किए, लेकिन ये ऐसी चीज है जो इन गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा आपकी तरफ से। दूसरी चीज, आपने बड़ी जायज डिमांड की है कि अपने बच्चों की तालीम के लिए, और इस तालीम के लिए मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आपने अपने बच्चों को तालीम दे दी, जरूरी नहीं है कि वो रोजगार जाके अपने नौकरियों पे लगेंगे, लेकिन उनके अंदर एक निखार आ जाएगा। आप अगर मजदूर हैं तो वो मिस्त्री बन जाएगा, अगर वो मिस्त्री आप मिस्त्री हो तो वो ठेकेदार बन जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, और पढ़ाने के लिए इसके अलावा ये वजीफे वगैरह की जो है, तो मैंने रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है एमपी साहब को कि जिला की जो ज़कात कमेटी है उसको रिक्वेस्ट की जाए और सेक्रेटरी उससे करके लेब और लेबर डिपार्टमेंट में भी आपकी जो है वो सिलसिला मौजूद होता है, कुछ वहां से वजीफे मंजूर कराए जाए। और मैं समझता हूं कि ये हमारे नेहरू साहब जरूर ये काम करेंगे। इसके अलावा जो मेन बात मैं कहना चाह रहा था कि आपकी एक ने डिमांड की है इंडस्ट्रियल होम के लिए, इंडस्ट्रियल होम या ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ उसको चलाने की देर है। मैं समझता हूं कि नेहरू साहब खुद इस बात पे बताएंगे, लेकिन ये मैं मालूम है कि इंडस्ट्रियल होम यहां टंडवादम में है जो बंद पड़ा हुआ है, और इसी तरह कंप्यूटर के हवाले से आपकी जायज डिमांड है, और खास तौर पर जो आपने ये लिखा है अपने इसमें के कम्युनिटी हॉल के लिए, तो मैंने रिक्वेस्ट अभी बैठे बैठे की है, वो खुद ही आपको इस सिलसिले में कुछ बताएंगे। बहरहाल हम हर वक्त आपके काम के लिए हाजिर हैं और इंशाल्लाह ताला जिस तरह भी बंद पड़ेगा, जैसे भी है, आपके साथ हर कदम पर आपके साथ रहेंगे।
मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सरपरस्त आला तंजीम लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के लाला मोहम्मद अयूब साहब। उनके बाद मैं जनाब चीफ गेस्ट फिदा हुसैन डेरो साहब से इल्तमास करता हूं कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें।